नमस्कार, ये हमारा एजुकेशन हब के नाम से एक चैनल बनाया गया है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और भी नए नए वीडियो बना सकें। और आप इंटरनेट के ऊपर अगर खोलते हैं एजुकेशन हब को, तो ये अपना एजुकेशन हब के चैनल इस प्रकार से बनाया गया है। आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये एजुकेशन हब के नाम से बनाया गया है हमारा चैनल। और उसके बाद में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक पेरोल रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं कि पेरोल रिपोर्ट एक्सेल के अंदर कैसे तैयार होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे टेबल तैयार करते हैं। उस टेबल तैयार करने के बाद में इसमें आपको बोर्ड कर देते हैं, और बोर्ड होने के बाद में इसको हम सेंटर में कर देते हैं। इसको हमने क्या किया है, सेंटर के अंदर, ठीक है, सब कुछ सेंटर के अंदर कर दिया गया है। ये जो हमारी है ये कंडीशन है कि इस हिसाब से अपने को एक टेबल तैयार करनी है। तो एम्प्लॉय नेम के अंदर हम जाएंगे। एम्प्लॉय नेम के अंदर हमने नाम लिखा, जैसे श्याम नाम लिखा है। जैसे श्याम नाम लिखेंगे और एंटर कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, तो सबका इसमें एक साथ इसमें नाम एडजस्ट हो जाता है। फिर इनकी आती है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कितनी रहती है, उस हिसाब से टीए ये जितने अलाउंसेंस है ये सारे कटते हैं। तो हमने अगर बेसिक सैलरी इसमें आपने 12,000 रुपये दिए है और यहाँ पे आपने दिया है 24,000 रुपये, तो 12 और 24 के बीच का जो डिफरेंस है ये चलता रहेगा और यहाँ तक कि जाके 1,20,000 तक हो जाता है, ठीक है। अब आपकी जो डीए आता है, डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो आपको कितना पे करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे भी देखिए, यानी बेसिक सैलरी का है वो 14% आपका डीए है। तो बेसिक सैलरी, और आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई 14% एंटर कर देंगे, तो ये 14% आ जाता है। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, या हमारे पास दूसरा फॉर्मूला एक ये है कि यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने बाद में कंट्रोल डी कर दीजिए, तो सबका एक साथ इसमें निकल के आ सकता है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे इक्वल क्लिक करेंगे। ये इसलिए क्लिक करना है कि इन सब की रो के साथ में हमारे को लिंक जोड़ना है, इसलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। और ये लिंक जोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, 12 और डिवाइड 100, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपका फॉर्मूला यहाँ आ जाए, जैसे आपका प्लस अभी अलग तरीके से शेप चेंज हो रही है, अब यहाँ पे इसके प्लस की अलग से शेप चेंज हो गई है, इसको आप ड्रैग कीजिए, ठीक है, ये आपका आ जाता है। अब एचआरए जो होता है वो एचआरए के बारे में ये बता रहा है कि 3,000 रुपये और बेसिक सैलरी, यानी एचआरए जो है 3,000 रुपये बेसिक सैलरी, इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये से जो अगर किसी कम है तो वो 3,000, और बाकी जो है वो भी हमें क्या करना है, 5,500 रुपये देने। तो अपने एचआरए लगाते हैं, तो इफ ब्रेक स्टार्ट, और ब्रेक स्टार्ट करेंगे कि जिसकी सैलरी लेस देन 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, उसको हम जो है पीएफ देंगे, एचआरए मिलेगा उसको 3,000 रुपये, और बाकी सबको मिलेगा 5,500 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एचआर मिल रहा है, और इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने। अब देखो इसका ये आ गया है, लेकिन अपने को बेसिक सैलरी मानना है इसको। इसको क्या करना है, बेसिक सैलरी इफ ब्रेक स्टार्ट करेंगे, इफ ब्रेक स्टार्ट, और जिसकी सैलरी कम है 10,000 रुपये से, उसको हम पीएफ देंगे 3,000 रुपये, और बाकी सबको मिलेगा 5,500 रुपये, ठीक है। और क्योंकि इसमें सारे से 10,000 रुपये से ऊपर है, तो एक कंडीशन और अप्लाई कर देते हैं हम कि जिसकी सैलरी 60,000 से
नीचे, जिसकी सैलरी 60,000 से नीचे है उसको हम 3,000 रुपये देंगे, और जिसकी सैलरी 60,000 से ऊपर है उसको हम 5,000 रुपये देंगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई अपने। तो इफ ब्रेक स्टार्ट करेंगे, जिसकी सैलरी लेस देन है कितनी, 60,000 रुपये से नीचे, उसको हम कितना देंगे, 3,000 HRA मिलेगा, और जिसकी सैलरी ऊपर है 60,000 से ऊपर उसको हमें 5,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ट्रैक कर दीजिए इसको। तो अब देखो यहाँ पे आपकी 60,000 को भी काउंट कर रहा है कि इन 60,000 से नीचे है। अगर एक कंडीशन और लगती है, अगर यहाँ पे हमने इक्वल लिख दिया, ठीक है, इक्वल जैसे लिखेंगे तो इस 60,000 को भी इंक्लूड करेगा, यानी 60,000 को ही मानेगा, 60,000 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल का इतना अंतर होता है, तो इक्वल हम कर देते हैं। लेकिन कंडीशन के अंदर लेस देन दिया हुआ है तो हमें इक्वल हटाना पड़ेगा, तो इक्वल हमने लेस हटा दिया है और इसको ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 60,000 को ये मान्य हो रहा है, यानी 60,000 से ऊपर या 60,000 से तक उनको 5,000 मिलेगा, 60,000 से नीचे वाले को 3,000 रुपये मिलेगा। अब DA जो आता है, TA आता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी आप जब यात्रा करते हो बिजनेस पर्पज के लिए वो आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो बेसिक सैलरी का आपका 4% मिलता है, तो बेसिक सैलरी आपकी इस पे क्लिक करेंगे और 4/100, ठीक है, ये 4% आ गया है। अगर इसको डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो तो कंट्रोल डी कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो इस पे क्लिक कीजिए और इसका प्लस का शेप चेंज हो चुका है, अब इसको ट्रैक करते हुए नीचे तक ले आइए। ठीक है, तो ये आपका TA आ गया है। TA के बाद में आता है MA, यानी मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस जो है वो बेसिक सैलरी का 12% है, तो बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 12,000 रुपये, और इसका 12। अब यहाँ पे इसमें आप परसेंटेज लगा दोगे तो हैंडल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका MA आ गया है और ये MA भी निकल चुका है। अब बोनस जो आता है आपका, बोनस आता है यानी आपका 6% कर देते हैं बोनस, 6% बेसिक सैलरी एंड TA दोनों का आपका 6% निकालना है बोनस। तो कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी प्लस TA, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आपको कितना परसेंट निकालना है, बेसिक सैलरी का आपका 6%, तो 6/100, ये बेसिक सैलरी का आपके आ जाता है। इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड हो गई है, एक तो बेसिक सैलरी, एक TA। अब ग्रोस सैलरी क्या होगा, ग्रोस सैलरी इन सब का टोटल होता है, वो ग्रोस सैलरी कहलाता है। अब आपको डायरेक्ट निकालना हो तो इनको सम करना है, तो सम पे क्लिक कर दीजिए, इनका सम निकल के आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हो और इन सब को प्लस कर देते हो, ये जोड़ देते हो तो भी सम हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि इक्वल SVM सम ब्रेक स्टार्ट करोगे और 12,000 रुपये प्लस HRA प्लस TA प्लस MA प्लस और बोनस प्लस इन सबको जोड़ देते हो तो ये आपकी ग्रोथ सैलरी आ जाती है। ग्रोथ सैलरी आने के बाद में PF जो है आपका क्या कट रहा है, PF की क्या कंडीशन है कि जो ग्रोथ सैलरी का है वो, अब यहाँ पे इसमें लिख देते हैं ग्रोथ सैलरी का 10% PF कटेगा। तो ग्रोथ सैलरी अपने, ये ग्रोथ सैलरी आ चुकी है और इसका हमें 10% निकालना है, 10%। ठीक है, ये हमारे 10% निकल गया है, इसको डबल क्लिक करते ही सबका एक साथ निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल का मतलब ये है कि PF कटने के बाद में जो भी अमाउंट बचेगा उसमें आपका टैक्स कटेगा। तो ग्रोस सैलरी माइनस PF, अभी आपका टैक्सेबल सैलरी आ चुका है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो सबकी एक साथ टैक्सेबल सैलरी आ चुकी है। टैक्सेबल सैलरी आने के बाद में TDS जो कटता है वो आपका, जो भी टैक्सेबल सैलरी आई है उसका 10% आपका TDS कट जाएगा। तो TDS आपका 10% इसका टैक्सेबल सैलरी डिवाइड 100, 10% कटना है आपका,
और यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे 10 के आगे, तो भी अपना 10% निकल जाता है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो सबका टीडीएस आ जाता है। अब टीडीएस ये दोनों अगर माइनस करते हैं तो हमारे को कैश इन आफ्टर टीडीएस सैलरी आ जाती है, आफ्टर टीडीएस यहाँ पे हमारे को मिलेगा ये जो आफ्टर सैलरी आफ्टर टीडीएस। थोड़ा सा ठीक है, और अब अपने निकालना क्या है, ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो टीडीएस कटने के बाद में जो बैलेंस आएगा वो आपको एम्प्लॉय को मिलता है, तो इक्वल टैक्सेबल सैलरी माइनस टीडीएस, और टैक्सेबल सैलरी माइनस टीडीएस करेंगे तो ये हमें एम्प्लॉय को मिलता है, और इसके साथ में डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक टेबल तैयार की है और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के बाद हमने इसको चेंज किया है।